नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मधुबनी से करेंगे। मधुबनी के जयनगर स्थित एसडीएम कार्यालय कक्ष में एसडीएम शंकर शरण उमी की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना को लेकर लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब, निसहाय, दिहाड़ी मजदूर और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरी सामग्री पहुँचाने के लिए स्वेच्छा से धनराशि एकत्रित कर सहयोग की अपील की। कि जो लॉकडाउन होने के कारण जो गरीब तबके के वैसे जो आदमी जिनका डेली कमाना और डेली खाना, जैसे रिक्शा वाला या भिखारी या इस टाइप के जो लोग, इन्हें मैंने रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं जिनका दैनिक जो है भोजन प्रभावित हो गया है, उन्हें हम लोग जो है खाद्यान्न और अन्य जो है सब्जियों के माध्यम से फूड पैकेट तैयार करना चाह रहे हैं और उसको हम मिल करके जैसे लोग चिन्हित कर रहे फूड पैकेट हम लोग वैसे लोगों को देते हैं। इसमें सारे जो हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सर्विस। बिहार शरीफ प्रखंड के महानंदपुर गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर उन्हें अनाज नहीं दे रहा है और यह कहकर भगा देता है कि उजले कार्ड धारियों को सरकार द्वारा अनाज नहीं दिए जाने का निर्देश दिया गया है। वही मामले को लेकर एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। आनंदपुर का निवासी है, करीब करीब हमारे गाँव में ऐसा कार्ड धारी कम से कम 200 से ऊपर होंगे। अच्छा। जो कि अभी गल्ला से 4 साल से वंचित हैं और गवर्नमेंट जो है कार्ड बना के सबको पुष्टि कर दिया गया। अच्छा। कि सबको कार्ड मिलेगा, जिनको जिनको उजला कार्ड मिला है सबको राशन मिलेगा, लेकिन आज तक जिनको मिल रहा है उन्हीं को मिल रहा है, जिनके पास नहीं मिला उनको नहीं मिल रहा है। मोदी जी फ्री किए हैं राशन, कुछ नहीं? नहीं, कोई आज तक कोई यहाँ हमारे गाँव में कोई मैंने राशन का जो है मैंने कोई अथी लाभ मिलवे नहीं किया है नया कार्ड धारी को। ये जो हम लोग का ग्राम का समस्या है, ये हमारे गांव का क्या पूरा बिहार का समस्या है, जो सरकार राशन कार्ड बंटवा दिए हैं 4 साल पहले। अच्छा। अभी तक किसी को एक भी दिन गल्ला नहीं मिला है। डीलर ही जाता है तो डीलर बोलता है कि इस पर अलाउट नहीं है, हम बांट नहीं सकते हैं, इसको हम दे नहीं सकते हैं। जब सरकार से कहिए, सरकार से जब हम लोग जब वीडियो के बार बार कहते कहते हम लोग थक गए हैं। वीडियो कहता कि आवेगा तो मिलेगा, आवेगा तो मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं है। यही जो मोदी सरकार 21 दिन के लिए लॉकडाउन किए हैं, इसमें तो मैंने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बात करें सहरसा की, तो लॉकडाउन के बाद जरूरतमंद लोगों के बीच सहरसा के युवा नेता जावेद अनवर चांद के नेतृत्व में आपसी सहयोग और भागीदारी से वार्ड संख्या 22 में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर जावेद अनवर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी लोगों के बीच राहत सामग्रियों को पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान भी वो चलाते रहेंगे। हम लोगों ने कुल 70 पैकेट बनाया है, जो कि अली नगर वार्ड नंबर 22 और जहां भी जरूरत होगी और आगे भी जरूरत जब होगी, ठीक है, तो हम वैसे लोगों को जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन के कारण जो है वैसे लोगों के बीच में समस्या उत्पन्न हो गई है जीविका की, तो इसी को देखते हुए और हम लोगों ने विचार विमर्श किया बुद्धिजीवी लोगों से, तो इस और एक आह्वान किया कि जो भी आसपास के वैसे लोग हैं जो समृद्ध है, जो लोगों की मदद कर सकते, चाहे वो कहीं के भी लोग, वो अपने आसपास के और रोज़ कमाने खाने वाले लोगों का ध्यान रखें तो ये समस्या दूर हो की जा सके। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लगभग 25 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद 3 दमकल की गाड़ियों के सहारे आग पर काबू पाया गया। उधर रघुनाथपुर प्रखंड के कोटसर गांव में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 20 झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गए। वहीं इस हादसे में एक बच्चे की भी झुलसने से मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों और अग्निशमन कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सिपाही गांव में दीप जलाने के दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 1 दर्जन घर जलकर राख हो गए। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जमुई पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए जमुई पुलिस कप्तान
इनामुल हक मैग्नो के निर्देश पर जिले के सभी पुलिस वालों ने अपने एक दिन के वेतन से धन एकत्रित कर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री के पैकेट का वितरण किया है। सिकंदरा थाना के अंतर्गत गत थाना परिसर में सिकंदरा थाना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में गरीब के बीच में राशन बांटा किया। कहते हैं समाज सेवा करने की दिल में जब जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला। आपको बता दें कि कुछ इसी जज्बे को बुलंद करते हुए सकरेचा के वर्तमान मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह की पत्नी प्रीति संध्या ने दिन रात सेवा में लगे, साथ ही कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे पुलिसकर्मियों के बीच अनिशाबाद, फुलवारी शरीफ, बेउर, सिपारा और परसा में पानी की बोतल, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण पुलिस वालों के बीच किया है। मौके पर उनके पति मुखिया संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बिहार न्यूज परिवार ऐसे समाज सेवी महिला को दिल से सैल्यूट करता है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट के एमडी अजय कुमार सिंह ने पुनपुन बाजार और इसके आसपास के गांव रसील चक और चिनिया बेला गांव को सैनिटाइज कराया। इसके साथ ही अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील भी किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। लोकप्रिय हीरो राजन ने मुंगेर जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेटिया बंबर के स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया। मौके पर राजन ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी पूरे हौसले के साथ रोगियों के बीच जाकर उनका स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। नमस्कार, टेटिया बंबर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है अभी और यहाँ आज हमने फूल देकर अपने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, खासतौर से महिलाओं की हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये और मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। इनकी वजह से जो प्रखंड के लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं हीरो राजन कुमार, मेरी कोशिश है कि मैं तमाम अपने स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने वाकई COVID-19 जो ये एक संक्रमण है, महामारी है, उससे लोगों को, जो लोग लॉकडाउन में हैं उनको एक सहायता प्रदान कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद, हमारे साथ तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं यहाँ, उनका मैं दिल से आभार करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद लोगों ने अपने घरों के लाइट को बंद कर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फ्लैश लाइट के जरिए यह दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम सभी देशवासी एक साथ हैं। अनेकता में एकता का परिचय देते हुए कुछ जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मसौढ़ी से है, जहां दीप जलाने के साथ ही मसौढ़ी के कलाकारों ने गीत गाकर कोरोना वायरस को लेकर जागरूक भी लोगों को किया है। वहीं दूसरी तस्वीर अरवल की है, उसके बाद राजधानी पटना, मुंगेर, मोतिहारी और अररिया की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।